पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2022 के इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। आगामी 2022 के विधानसभा इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पंडित सत्येंद्र शर्मा से बातचीत की गई। उन्होंने आगामी 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही कहा कि भाजपा से लोग नाराज हैं और अब भाजपा का सच जनता के सामने आ चुका है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की जीत होगी और सरकार बनाएंगे। समाजवादी व्यापार सभा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अभी हमारा बड़ा सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, पूर्व उत्तर प्रदेश का बड़ा सफल सम्मेलन था और अब हर मुद्दे को लेकर जो ये व्यापारियों की इतनी बड़ी अनदेखी, इतना बड़ा अत्याचार उनके साथ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे प्रोग्राम बार बार आ रहे हैं और अभी रिसेंट एक प्रोग्राम आने जा रहा है क्योंकि 1 जनवरी से योगी सरकार और मोदी जी की सरकार 5% से टैक्स बढ़ा के 12% कर रही है जूते पे और कपड़ों पे। कपड़े और जूते अति आवश्यक आवश्यकता में आते हैं और ऐसे उत्पाद के लिए ऐसा मतलब कठोर निर्णय इन्होंने लिया है कि आम आदमी बेचारा कैसे रहेगा। और व्यापार जो, क्योंकि जूते चप्पल का व्यापार सड़कों पे भी होता है, फड़ों पे भी होता है, शोरूम में भी होता है, वो कितने प्रभावित होंगे। तो व्यापारियों की तो इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पहले तो नोटबंदी करी, नोटबंदी से पूरे देश के व्यापारी परेशान रहे, उसके बाद विसंगतिपूर्ण GST ऐसा लागू करा जो पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा GST नहीं है, जिसकी इतने सारे स्लैब बना दिए कि खुद जिन्होंने जो सेल टैक्स वाले वो परेशान हैं। उसमें इन्होंने व्यापारियों को उलझाया, उसके बाद लॉकडाउन, उसमें नुकसान हुआ और आज की तारीख में दिन प्रतिदिन ये उसी इंस्पेक्टर राज को जो माननीय नेताजी ने समाप्त करा था द्वारा से लाने जा रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान आम आदमी के ऊपर है ही नहीं, उनका ध्यान है पूंजीपतियों के ऊपर, उनका ध्यान है अंबानी और अडानी के ऊपर, उनका ध्यान है सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो देश को खोखला कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये कहने वाले हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने भारतीय रेल बेच दी है। हम, मैं तो कहूंगा ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी भारतीय रेल का, हमारी रेल का नाम भारतीय रेल रखा था, इन्होंने तो उसका नाम ही बदल दिया, अडानी रेल कर दिया। तो ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक डिपार्टमेंट, आज बैंक की स्ट्राइक चल रही, कल और आज परसों और कल बैंक की स्ट्राइक थी, ऑल इंडिया करोड़ों रुपए की सैलरी उन्होंने अपनी कटवाई। आप देखिए बैंकों को बेचने का काम कर रहे हैं लोग, जो सरकारी बैंक है धीरे धीरे सब बिक रहे हैं, हर डिपार्टमेंट पे इनकी नज़र है। तो इनका इरादा सिर्फ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का है और व्यापार छोटे लोगों का तो आज की तारीख में चौपट हो गया है, कहीं काम नहीं है, व्यापारी परेशान हैं और इसमें समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा भिंग जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, सरकार के इस उसका विरोध कर रहे हैं और व्यापारियों के हित में समाजवादी व्यापार सभा लड़ रही है। और बिल्कुल हम पहले की तरह जो नेताजी ने व्यापारियों के लिए किया था वही अखिलेश जी कर रहे हैं। 2022 में जैसा व्यापारियों का रुझान है कि इस कदर भीड़, भारी भीड़ विजय संकल्प यात्रा में माननीय अखिलेश यादव जी की आ रही है कि उससे मोदी जी और योगी जी घबराए हुए हैं, घबरा के प्रधानमंत्री जी अपना ऑफिस भूल के उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और वो इस कदर घबराए हैं माननीय अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा की जो भीड़ आ रही है, रात के 12 बजे 2 बजे 2-2 लाख आदमियों की भीड़ 8-10 किलोमीटर तक विजय यात्रा के दर्शन करने के लिए, अखिलेश जी से मिलने के लिए उतावली है पब्लिक, उससे घबरा के ये लोग आज यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ, सभी व्यापारियों का, सभी लोगों का आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को आप 2022 में मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाइएगा, एक बार फिर यहाँ पे व्यापारी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, जैसे व्यवस्था पहले थी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि ये लोग आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा कभी आम आदमी के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करती है। ये बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की, खरबोपति की पार्टी है, इसमें इनका कोई लेना देना किसान से या व्यापारी से नहीं है। किसानों का क्या हाल करा 1 साल तक इन्होंने, लेकिन जब अखिलेश जी की विजय यात्रा से डर गए तो इन्होंने किसानों के वो कानूनी वापस ले लिए, डर के वो
किसानों के लिए नहीं था वो, इन्हें सिर्फ सरकार की वजह से था कि भाई ये तो इसके से सपा में एकदम किसानों ने समर्थन दे दिया। तो ये लोग बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी व्यापार सभा के साथ इस समय सारे प्रदेश के व्यापारी हैं, हर जिले में, हर तहसील मुख्यालय पे, हर टाउन में, हर गांव में धरने प्रदर्शन व्यापारी स्वयं कर रहे हैं। व्यापारी जुड़ने को लालायित है। इस समय छोटी छोटी मीटिंग में हमारी हजारों लोग व्यापारी शिरकत कर रहे हैं और समाजवादी व्यापार सभा ये नारा दे चुकी है कि व्यापार सभा ने ठाना है सपा सरकार बनाना है और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। छोटे दल स्वयं अखिलेश जी से मिलने के लिए आतुर हैं। बहुत सारे दलों को अखिलेश जी ने गठबंधन कर भी लिया है और भी दल, और इवन मैं तो कहूंगा भाजपा के भी बहुत सारे विधायक इस चक्कर में है कि किसी तरह अखिलेश जी उन्हें शरण दे दें। तो 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।